तो गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, मैं शैल विष्णु मंडल और हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, एक घर पे आए हैं जहाँ पे आज तकरीबन एक महीना पहले एक प्रोडक्ट को लेकर रिकमेंड किया था जिनको तकरीबन थायराइड था, जन्म से थायराइड। नेक्स्ट उनका जब एज 16 का हुआ तब उनको गैस्ट्रिक होना स्टार्ट हो गया। गैस्ट्रिक प्लस वीकनेस रेगुलर उनको होता था, अच्छे से खा पी नहीं सकते थे, फिर उसके बाद में खाने को भूख नहीं लगता था। उन्होंने कई जगह पे डॉक्टर को दिखाया बल्कि उनको जल्द नहीं आया, तो इसलिए हम लोगों ने जब उनको पढ़े जब रिकमेंड जब किया, आप देख सकते हैं सबसे उनको दिया अमला जूस। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने दिया मल्टीविटामिन्स। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इनको दिया प्रोवाइड किया स्पाइरुलिना एलोनिया, हमारा जिसको कहा था सुपर फूड, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है हमारे फूड, जिनको लेकर के इन्होंने 1 मंथ का मैंने दिया था और इनका बहुत फिनेंशियल का इशू होने के कारण से 6 मंथ का वो नहीं ले पाए, जिसके कारण से हमने इनको 1 मंथ को लेके प्रोवाइड किया। और उनसे आज हम लोग जानने के लिए देखते हैं कि विद इन 1 मंथ के भीतर में क्या क्या उनको फर्क पड़ा और क्या क्या उनको असर हुआ, हम उनसे जानना चाहेंगे। तो ये है हमारा राम जो मेरा ब्रदर है, और ये हमारे अभी जी है जो इनका पेरेंट्स, इनका तो मैं उनसे जानना चाहेंगे। आप थोड़ा अपना नाम और कल बताइए। मेरा नाम कौशल्या पारिक है और ये मेरा बेटा राम। इसको जन्म से ही थायराइड की बीमारी थी और 3-4 साल से तो इसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होने लग गई, भूख नहीं लगती थी, वीकनेस इतनी ज़्यादा लगने लग गई थी कि सीढ़ी में चढ़ के आता था तब भी ये लेट जाता था आधी घंटा के लिए। लेकिन ये दवाइयाँ देने के बाद में इसके काफ़ी फर्क है, 1 महीने में ही दवाई देने के बाद में इसको भूख अच्छे से लगने लग गई है, गैस की प्रॉब्लम तो बिल्कुल है ही नहीं, एकदम ख़त्म ही हो गई है और वीकनेस भी इसको नहीं लगती आजकल, तो काफ़ी इम्प्रूव है ये, काफ़ी ठीक लग रहा है। अच्छा मैम, आपसे मैं एक बात जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे जो पड़ोस आपने यूज जब किया था तो फर्स्ट 1 वीक के भीतर कुछ रिजल्ट आपको, कैसा रिजल्ट आपको मिला था 1 हफ्ते यूज करने के बाद में? 1 हफ्ते में तो इतना पता नहीं चला था, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा था कि गैस का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा अच्छा। लेकिन 15 दिन के बाद में ऐसे पता चला कि हाँ गैस का प्रॉब्लम कम हो गया है, इसका मन खुश रहने लग गया अंदर से, नहीं तो सारा दिन बीमारी की वजह से इसका मन भी खुश नहीं रहता था, हर टाइम लेटा रहता था, कोई भी काम पे तो हाँ मम्मी हाँ मम्मी, आलस की वजह से लगता था इसको। 15 दिन के बाद में इसका अंदर में अपने आप लगने लग गया कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे ठीक लग रहा है। एक होता ना कि बच्चों को खुशी मिल रहा है, बच्चे ठीक है, बच्चे का पेट भर जाए तो बच्चा खुश दिख रहा है, बच्चा भूखा हो जाए तो रोने लग जाए, बस वो ही हो गया दवाई देने के बाद में 15 दिन के बाद में ये काफी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जो अब दिया आपको हमारा दवाई नहीं है, हमारा फूड सप्लीमेंट है, इसको मतलब सप्लीमेंट हमारे बॉडी में खाने पीने का ऐसा काम करते हैं, इसको मतलब खाद्य पदार्थ बोलते हैं। तो चलिए, तो इतने सब हम से एक बात देना चाहेंगे कि आपने बताया था स्टार्टिंग में जब मैं आपके जब रिकमेंड किया था तो सफ़ेद दाग को लेकर हमने बातचीत किया था, तो स्टार्टिंग में जैसे कि आप देखेंगे इनका बचपन से मतलब जन्म से था ना? नहीं, जन्म के बाद में हुआ। अच्छा, जन्म के बाद कितना साल इसका हो गया होगा? 9-10 साल का हुआ तब हुआ और 10 साल हो गए इसके। अच्छा अच्छा, आप उनके पेरेंट्स से सुन पा रहे हैं कि शायद इनको इस दाग को तकरीबन 10 साल हो गया, इनको इधर में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन यूज किया, 15 दिन के भीतर में मैंने अगर विजिट किया था। देखो ये काली काली जो बिंदी दिख रही है अंदर में, वो दवाई लगाने के बाद में हुआ, दवाई लगाई भी है इसने और ली भी है। देखिए आप खुद उनके पेरेंट्स आप सुन सकते हैं, पहले एकदम पूरा व्हाइट था, 15 दिन यूज किया तब जाके इनका रिजल्ट थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, और मुझे पूरा विश्वास था कि इनको इनसे जानना चाहेंगे विद इन 1-2 से 3 महीने के भीतर पूरा इसका खत्म हो जाएगा। तो मैम ये कब से था इनका? ये 10 साल पुराना है। अच्छा, पहले तो मतलब बहुत ज्यादा था, लेकिन ये दवाई लगाने के बाद में इसके जो जो व्हाइट जगह है ना वहाँ पे काली काली बिंदियां होने लग गई, रियल स्किन, हाँ रियल स्किन होने लग गई इसकी, लेकिन 15 दिन में ही पता चलने लग गया कि हाँ हो गई है। और गलती मेरी है कि ये रोज रेगुलर नहीं लगा रहा है अपने चेहरे पर, अगर लगाता तो मुझे विश्वास है कि 1 महीने में और ज्यादा इसका रिजल्ट आ जाता। अच्छा अच्छा, चलो अभी हम अपना दवाइयाँ ली है, 3-4 दिन से लगाता है, भूल जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए राम से पूछते हैं जिन्होंने यूज किया कि राम को कैसा लग रहा है, ये सब यूज करने में कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब आप फर्स्ट टाइम जब आपने जब किया था तब वो कैसा लग रहा था, ठीक होगा नहीं होगा, क्या है क्या दे? फर्स्ट टाइम ये तो ऐसा लगा कि लगता नहीं है ठीक हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा, फिर 2 दिन बाद ये तो थोड़ा गैस था, आराम मिला। अच्छा अच्छा, मतलब जो प्रॉब्लम है वो ठीक लगने लगी, ठीक लगने लग गया ना। अच्छा, पहले जैसे कि मैं जब आता था आपके घर पे तो दिखता था कि बहुत ज्यादा थके हुए रहते थे, लेकिन नहीं मम्मी ने बताया कि खाना टाइम पे नहीं खाता है, भूख नहीं लगता है, लेकिन नहीं तो सुबह एक रोटी खा लेता मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक आधा। अच्छा अच्छा, तो अभी इसको यूज करने के बाद कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी ठीक लग रहा है, मतलब खाना पीना में आपको लग रहा है कि आपको मतलब सच में आपको अभी जैसा मैम ने बता के दिया था
आपका कुछ सुधार होगा। काफी सुधार हुआ, पहले इसको मुझे बोलना पड़ता था तू खा ले तब पूरा दिन में एक रोटी खा पाता था। अच्छा अच्छा, अब ये खुद आके मुझे बोलता कि खाना बन गया क्या। अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा चमत्कार हमारे यहाँ पे होते हैं इस प्रोडक्ट को लेने यूज करने के बाद में। ये खुद आके बोलता मम्मी खाना बन गया क्या, मुझे भूख लग गई है, तो मुझे भी खुशी होती है खाना बनाने में कि चलो मेरे बच्चों को भूख लग गई है। भूख नहीं लगती थी तो मुझे ऐसा लगता था क्या खाना बनाऊं, ये तो कुछ खाएगा नहीं, कुछ भी बना लो चाहे आप, चाहे मैं कुछ भी बनाऊं, ये बोलता भूख लगी है मुझे तो दे दो। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहेंगे जो हम लोग जो काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसको और आगे तक लेके जाना चाहिए, आगे तक लेके जाना चाहिए। अच्छा, जो भी बीमार है और है बीमारी है, डॉक्टर को इतना पैसा दे रहे हैं, इतना हम पैसा लगा रहे हैं, तो इससे अच्छा है ना कि हम घर बैठे ये दवाई मंगवाए और ये ले, ताकि हमारे बच्चे ठीक हो, हम खुद ठीक हो। अच्छा, मेरा आपने एक बात बताई जिससे कि आपने इनको एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राम को आपने कहाँ कहाँ देखा था डॉक्टर से। जयपुर में दिखाया था, पहले बचपन में तो बहुत जगह दिखाया था क्योंकि मैं राजस्थान में रहती थी, तो राजस्थान में बहुत जगह दिखाया, लेकिन जयपुर में इसका बीमारी मतलब पकड़ में आई थी कि इसको थायराइड का ही प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसको 7-8 महीने तक तो मैंने बहुत जगह दिखाया, फिर इसके थायराइड का, अब थायराइड की वजह से इसका थोड़ा सा दिमाग में नसें भी कमजोर हो गई है, तो उसकी वजह से इसके थायराइड है, थायराइड का भी अभी मैंने टेस्टिंग नहीं करवाई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये दवाई देने के बाद में इसके थायराइड में भी प्रॉब्लम में ठीक ही होगा इसको। अच्छा, और आपने पहले जो मतलब जो मेडिसिन आप यूज करते थे, लेकिन अभी आप वो कर रहे हैं या मतलब कैसे? नहीं नहीं, वो मेडिसिन तो मैं नहीं छोड़ी हूँ, वो मेडिसिन तो मैं यूज कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा, और हो सकता है मैं टेस्टिंग करवाने के बाद में मेरा बंद हो जाए या कम हो जाए दवाई, क्योंकि इसके जन्म से है तो वो पता नहीं चलेगा ना, हम लोगों को वापस एक बार डॉक्टर से बात करनी है। सही बात, सही बात। लेकिन इसको दिखाना पड़ेगा एक बार, टेस्टिंग नहीं करवाई है, करवाऊंगी। लेकिन हाँ, मुझे ऐसे लगता था कि थायराइड की वजह से तो ये सब तकलीफ नहीं है ना, लेकिन ये दवाइयाँ देने के बाद में अंदर में ये विश्वास हुआ है कि हाँ जो भी था थायराइड से है किसी से भी है, लेकिन बीमारी तो ठीक हो गई ना इसकी। सही बात, एक हाँ। सही बात कि नहीं, तो अभी क्या लगता है मैम आपको करना चाहिए प्रमोट, लेकिन अगर आपको अगर हम लोग कर रहे हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये चीज सही नहीं है, ये नहीं, नहीं, नहीं है, तो इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। अगर मैं तो सबको यही बोल रही हूँ कि जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है तो ये दवाई एक बार लेके देखना चाहिए। आप ज्यादा दवाई नहीं ले सकते हो, तो मैं भी नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने एक महीने की दवाई ली। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि आप ज्यादा दवाई नहीं ले सकते तो एक महीना लेके देखो, अगर विश्वास हो कुछ लगे आपको तो और लो आगे दवाई, नहीं तो मत लो, लेकिन खुद अपना विश्वास। सही बात, सही बात। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा आज हम लोग एक प्रोडक्ट को लेकर बातचीत किया, और हम लोग साथ में हम लोग सिर्फ बोलते ही नहीं है, हम लोग करके दिखाते हैं। बस यही बात है कि जो लोग कहते हैं कि विश्वास करते हैं करने से सब कुछ होता है कि नहीं, तो इनको मैंने तो मैं पहले दिया था, अब देख लो एकदम जबरदस्त रिजल्ट, नोन अमला हम लोग का USFDA सर्टिफाइड किया हुआ, जो पूरा इंटायर वर्ल्ड वाइड चलता है हम लोग अच्छा टाइम में। नेक्स्ट हमारा मल्टीविटामिन जो इन्होंने यूज किया, नेक्स्ट स्पाइरोलिना, नेक्स्ट और ये सारी चीज़ आप लोग जानते हैं, नोनी प्रीमियम। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ इनके बारे में, इनको एक महीना हुआ, उन्होंने 1 महीने के भीतर में जिस दिन इनको मैंने दिया था उसी का ठीक 1 वीक के बाद में, और एक हमारे नेवर सी हैं उनको इन्होंने इसको लेके प्रमोट किया, जिसके कारण से उनका भी बहुत सारी चीज़ दिक्कत ठीक हुआ। तो फिलहाल आज के लिए मैं आपको एक ही वीडियो शेयर करना चाहूँगा, बाकी हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू।